बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ारत खजाना ने नए सरकारी मुलाज़मीन के लिए नई पेंशन स्कीम मुतारिफ करा दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई पेंशन स्कीम के हवाले से वज़ारत खजाना ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, जिसके तहत नए भर्ती होने वाले मुलाज़मीन कंट्रीब्यूटरी स्कीम में 10% बुनियादी तनख्वाह से हिस्सा देंगे। मेमोरेंडम के मुताबिक ये स्कीम इन तमाम मुलाज़मीन पर लागू होगी जो 1 जुलाई 2024 या इसके बाद मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती किए जाएंगे। मेमोरेंडम में मज़ीद कहा गया है कि स्कीम में दफाई बजट से तनख्वाह पाने वाले सिविलियन मुलाज़मीन भी शामिल हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुनी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुनी का कहना था कि अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके हैं, वो असम्बली से एतमाद का वोट लें। दो तहाई अक्सरियत वाले वज़ीर आला अपनी असम्बली में जाने से कतरा रहे हैं। 4 मरतबा इजलास मुलतवी हो चुका है। इनका कहना था कि वज़ीर आला के पास अक्सरियत नहीं, इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ सकते हैं। मैं सरकारी तौर पर भी वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का भी कह सकता हूँ। गवर्नर करीम कुन्नी का कहना था कि अल्लाह ना करे कि मशीर और मावनैन खसूसी की समरी पर पांव रखें। बताया जाए वज़ीर और मशीर क्यों बदले जा रहे हैं? अगर वो करप्ट हैं, नाअहल हैं, तो इन्हें सजा क्यों नहीं दी जा रही? बिजली बिलों की सब्सिडी पर IMF को एतराज़ है तो बात हो सकती है। वज़ीरे इत्तला'आत पंजाब इस्मा बुखारी ने कहा है कि बिजली के बिलों पर टारगेटेड सब्सिडी है, इस पर IMF को एतराज़ नहीं होता, और अगर IMF को कोई एतराज़ है तो इस पर बात हो सकती है। उस्मा बुखारी ने कहा है कि चंद इलाकों में सैलाबी रेलों से फसलों का नुकसान हुआ है। सैलाबी इलाकों में महकमा सेहत काम कर रहा है, ताहम पंजाब के सैलाबी इलाकों में सेहत के हवाले से इमरजेंसी सूरत हाल नहीं। डेंगी वबा पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में डेंगू कंट्रोल है और सिंध में डेंगू मरीजों की तादाद ज्यादा है। किसी बलोच ने किसी पंजाबी पख्तून को नहीं बल्कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। सरफराज पुख्टी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज पुख्टी ने मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को इबरत का निशान बनाने के अज़म का इजहार किया है। बलोचिस्तान काबीना से खिताब करते हुए सरफराज पुख्टी ने कहा है कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशान इबरत बनाएंगे। ये जहन में रखना चाहिए कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी या पख्तून को नहीं बल्कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। उन्होंने कहा है कि कल असम्बली के इजलास में यकसू और मुतफिक होकर दहशतगर्द के वाकयात की मजम्मत की गई। मुठ्ठी भर दहशतगर्द आसान हदफ ढूंढकर हमले करते हैं। याद रहे कि बलोचिस्तान में हाल ही दहशतगर्दी के पेदरपे वाकयात पे सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों समेत 55 अफराद जहां भाग और मुतअद्दिद जख्मी हुए, जबकि ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक किया था। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हसूल, कौमी क्रिकेटर सख्त फिटनेस टेस्ट से परेशान। टेस्ट स्क्वाड और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कौमी क्रिकेटर्स को सख्त फिटनेस टेस्ट से गुजारना पड़ेगा। ज़राए के मुताबिक टेस्ट स्क्वाड के अरकान और बास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट 7 और 9 सितंबर को लाहौर में होंगे। फिटनेस टेस्ट को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मशरू किया गया है और सख्त फिटनेस की वजह से कौमी क्रिकेटर्स परेशानी का शिकार हैं, जबकि उन्होंने टेस्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी है। टेस्ट पास करने के लिए मैार 60% कर दिया गया है, जो कि आलमी सतह पर 50% करार दिया जाता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।